बीएस फर्स्ट सेमेस्टर, इट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस. टू डिस्क्राइब दिस टर्म आई हैव टू डिसाइड दिस वर्क इन डिवाइडेड दिस वर्ड इनटू टू सेगमेंट्स और टू पार्ट्स. फर्स्ट इज योर जियो एंड सेकेंड इज योर मॉर्फिक. जियो मीन्स अर्थ एज दे आर द ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एंड मॉर्फिक मीन्स शेप और फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर. क्या डेट मीन्स इट डिफाइंस द अर्थ शेप और स्ट्रक्चर विद इन और आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अर्थ सर्फेस इज अनइवन, नॉट स्मूथ, और दे आर वी फाउंड सम अपलैंड्स, डिप्रेशंस एंड एक्सेट्रा. देन वी हैव टू रेज द क्वेश्चन वाई इट इज सो, यानी कि वाई द अर्थ इज लाइक दैट. एंड द आंसर इज provided by the geomorphic processes. Any geomorphic processes are is that define the reason behind the structure of the earth like that. Thus the definition of this processes is all the physical and chemical changes. Physical mean the structural changes through the erosion or agents of erosion, and chemical changes through the formation and chemically bilkul jo rocks change ho jati hain, theek hai. थ्रू दैट डैट इफेक्ट द मॉडिफिकेशन, वो हमारी जो अर्थ क्रस्ट होती है उसको चेंजेस कर देती हैं, इन्हें मॉडिफाई कर देती हैं. कन्फ्यूगेशन ऑफ द अर्थ सरफेस फॉर्म, जो पहले से मौजूद अर्थ होगी या रॉक्स वगैरह होंगी उसको बिल्कुल चेंज कर देंगी. आर नॉन एज ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस, यानी ये वो प्रोसेसेस हैं जो फिजिकली और केमिकली अर्थ सर्फेस के ऊपर मौजूद रॉक्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसको शेप देते हैं, उसको जो है बिल्कुल टोटली चेंज कर देते हैं, उनको स्ट्रक्चर देते हैं, उसको शेप देते हैं, ठीक है. तो उसे हम क्या कहेंगे, जियोलॉजिकल फंडामेंट्स डेट चेंज द अर्थ सरफेस एंड शेप्स डैम, तो डेट वाज कॉल्ड ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस. दीज प्रोसेसेस आर रिलेटिवली फ्यू इन नंबर बट दे आर एक्सट्रीमली वेरीड इन नेचर एंड ऑपरेशन, यानी कि वह यहाँ पर बात कर रहा है कि जो प्रोसेसेस हैं ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस, वो बहुत सारे नहीं हैं बल्कि चंद तक में हैं, लेकिन उनकी जो नौीयत है वो बिल्कुल बदलती रहती है और वो चेंज हो जाते रहे हैं थ्रू देयर नेचर, यानी कि नेचर के हिसाब से और अपने काम करने के लिहाज से, ठीक है, एक्ट के जिस तरह से वो करते हैं. तो बेसिकली दीज आर डिवाइडेड इंटू टू टर्म्स, एंडोजेनिक एंड जो है एक्सोजेनिक. एंडोजेनिक जो होते हैं वो हमारे इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, और एक्सोजेनिक जो होते हैं हमारे एक्सटर्नल प्रोसेसेस होते हैं. यानी दीज प्रोसेसेस आर, इंटरनल प्रोसेसेस आर जनरेटेड विद इन द अर्थ सर्फेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस आर एक्ट ऑन द अर्थ सर्फेस बाय देयर एक्ट, ठीक है. तो इंटरनल फोर्सेज क्या होंगी, एंडोजेनिक फोर्सेज भी कहते हैं इंटरनल प्रोसेसेस. दीज प्रोसेसेस ऑपरेट फ्रॉम विद इन द अर्थ, ठीक है. इसके लिए हमें लास्ट टॉपिक पे जाना होगा, जो रॉक्स हम पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो है इंटरनल रॉक्स से इग्नियस रॉक्स बनी थी, देन हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा था. तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की जब हम बात करते हैं, तो आप देखें कि अर्थ को हम लोगों ने मुख्तलिफ लेयर्स में डिफाइन किया है, इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, आउटर मेंटल और क्रस्ट. तो क्या होता है, आउटर मेंटल जो है यहाँ पर जो मैग्मा होता है वो मॉल्टेड फॉर्म में होता है, जहाँ से ये हीट अप होकर ऊपर प्रेशराइज करता है क्रस्ट के ऊपर, ठीक है, प्रेशराइज करके वो बाहर आ जाता है. तो इसी तरह से ये क्या होता है कि हमारे पास अर्थक्वेक्स बिल्डअप होते हैं थ्रू दी कन्वेक्शनल करंट्स डेट आर जनरेटेड बाय द मॉल्टन लावा, ठीक है. तो अर्थ कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू जब हीटअप होता है, प्रेशर पड़ता है, तो वाइब्रेटिंग तौर पे क्या होता है कि आपके अर्थक्वेक्स आते हैं, आपके जो है प्लेट्स मूवमेंट कर, प्लेट जो टेक्टोनिक प्लेट्स का हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें प्लेट्स मूव कर रही हैं, ठीक है. तो वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है जब वो आपस में कोलाइड करती हैं, या फिर आपस में जो है वो ट्रांसवर्स मूवमेंट होती है, तो उसके थ्रू भी आपकी वाइब्रेशन ज़मीन के ऊपर आती है और जो है ज़मीन हरकत में आ जाती है, एनर्जी रिलीज होती है थ्रू रिलीज ऑफ एनर्जी. तो है ये आपके इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, आपकी ज़मीन जो होती है वो शेक होती है या कंस्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है. वो हमारा ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस में होता है जो हमारी अर्थ सरफेस को चेंज करता है. फिर एक्सटर्नल प्रोसेसेस में जो आते हैं वो आपके एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं, ठीक है. अब हम इंटरनल प्रोसेसेस की जब बात करते हैं तो इसमें हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स आती हैं, डायस्ट्रोफिज्म आता है, वोल्केनिज्म आता है. प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं
कि एसोनोस्फीयर के ऊपर या मॉर्टल जो है मेंटल है, ठीक है, उसके ऊपर हमारे 7 मेजर और 20 और डजन्स ऑफ जो स्मॉलर प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं, और वो 3 तरह से मूवमेंट होती है, कोलाइड करती हैं आपस में टकराती हैं, ठीक है, या फिर आपकी डाइवर्स करती हैं, दो आपस में से दूर हटती हैं एक दूसरे से, या फिर आपकी ट्रांसवर्स करती हैं यानी कि आपस में रगड़ खाती हैं। तो उस तरह से मूवमेंट में आपके ब्रॉड रैपिंग होती है, फोल्डिंग होती है और फॉल्टिंग हो जाती है। ब्रॉड रैपिंग से क्या, यानी कि आपकी अर्थ सर्फेस पर चेंजेस आती हैं, वो इस 3 तरह से आती हैं। ब्रॉड रैपिंग में क्या होता है कि आपके ऊपर से नीचे से मटेरियल ऊपर की तरफ जाता है आप, और एटमोसफेयर थ्रू एटमोसफेयर होने की वजह से वो ठंडा हो जाता है और ऊपर से लेयर टूट फूट का शिकार होती है, हट जाती है, नीचे से लेयर फिर ऊपर जाती है, ठीक है, वो ब्रॉड रैपिंग होती है जो तहों की सूरत में उतरती है। फिर फोल्डिंग क्या होती है कि नीचे से प्रेशर और हीट पड़ता है और ऊपर से सरफेस जो क्रस्ट होती होती है वो फोल्ड हो जाती है, ठीक है, उभार पैदा हो जाता है उसमें, ठीक है। और फॉल्टिंग क्या होती है कि क्रैक्स या जॉइंट्स डेवलप, क्रैक्स बन जाते हैं ज़्यादातर, क्या क्रैक्स बनते हैं कि जब ट्रांसवर्स मूवमेंट होती है तो उसमें आपके अर्थ सर क्रस्ट जो होती है वो क्रैक्स बन जाते हैं रगड़ खाने की वजह से एक दूसरे से, वो फिर क्या है कि डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है। डायस्ट्रोफिज्म दो होते हैं, ओरोजेनिक और एंडोजेनिक, अपोरोजेनिक एक में क्या करते हैं माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका स्प्रेडिंग ऑफ जो है वो आपका मतलब नीचे से जब मटेरियल लावा ऊपर आता है तो क्या होता है जम जाता है और आपका स्प्रेड ऑफ सरफेस होती है, ठीक है, स्प्रेड ऑफ फ्लोर भी होता है, ज़्यादातर एक ओशन के अंदर होती है, दूसरी आपके ये जो है क्रस्टल सरफेस जो कॉन्टिनेंटल सरफेस होती है उसके ऊपर होती है। फिर वॉल्केनिज्म क्या होता है कि आपको पता ही है, वॉल्केनिज्म भी हमने पढ़ा है कि मैग्मा जब थ्रू वेंट्स जॉइंट्स और फिशर्स के थ्रू ज़मीन के ऊपर क्रस्टल सरफेस के आउटर सरफेस पे आ जाता है तो वॉल्केनिज्म हो जाती है। तो जब वो बाहर आता है तो उसे एक्सट्रूसिव कहते हैं, और अगर वो अंदर ही हो जाए तो वो उसे इंट्रूसिव कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंटरनल प्रोसेसेस आ गए, ये स्लो मूवमेंट्स होती हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी में की वजह से अपलिफ्ट हो जाता है, बिल्डिंग हो जाता है, तो इनको कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस कहते हैं, इनकी वजह से ज़मीन का जो सरफेस होती है वो कंस्ट्रक्ट करती है, टूटती फूटती बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसमें चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सटर्नल प्रोसेसेस। एक्सटर्नल प्रोसेसेस जो होते हैं ये आउट ऑफ द सरफेस यानी कि अपर सरफेस पे काम करते हैं, और ये दो तरह से मूव करते हैं, दो तरह से प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आपके एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर के दरमियान जो कांटेक्ट होता है थ्रू दिस जो आपके सरफेस क्रस्ट है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है या फिर आपकी ब्रेकअप हो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो उसमें आपका वेदरिंग, मैस वेस्टिंग और इरोजन आ जाता है। वेदरिंग क्या होती है कि आपका जब अर्थ सरफेस क्रस्ट या रॉक्स जो होती हैं जिससे मिलकर क्रस्ट बना हुआ है वो जब टूट फूट जाती हैं बाय एटमॉस्फेरिक एजेंट्स और जो है एक्सटर्नल एजेंट्स, तो क्या होता है लेकिन इसमें मटेरियल मूव नहीं करता, ठीक है, इसमें मटेरियल मूव नहीं करता, उसी जगह पर पड़ा रहता है, तो उसे क्या कहेंगे वेदरिंग कहते हैं। इसमें ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक एजेंट्स की वजह से आपकी वेदरिंग होती है। दूसरा जो होती है मैस वेस्टिंग होती है, इसमें फॉल ऑफ रॉक्स हैं यानी कि एक हाइटेड प्लेस पर से जब रॉक्स टूट कर नीचे गिरती हैं थ्रू ग्रेविटेशनल पुट और लुब्रिकेंट ऑफ वाटर यानी वाटर के स्लिपरी होने की वजह से जब एटमॉस्फेयर से मतलब हाइटेड फॉर्म में से पहाड़ वगैरह पर से जब रॉक्स मटेरियल नीचे की तरफ आता है उसे मैस वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। इरोजन जो प्रोसेस है इसे अम्ल कटाव भी कहते हैं। इसमें डिपोजिशन भी शामिल है यानी कि इसमें क्या होता है कि एजेंट्स के थ्रू, एजेंट्स कौन कौन से होंगे आपका फ्लूवियल रिवर वाटर यानी रनिंग वाटर जो होता है बहता हुआ पानी, इरोलियन यानी कि विंड्स, ग्लेशियर ग्राउंड वाटर और वेव्स और करंट्स, ये सारे मिलकर जब इरोजन करते हैं तो वो अपने साथ मटेरियल को बहाकर या उठाकर दूसरी जगह पर ले जाते हैं और डिपॉजिट भी कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है और डिपोजिशन भी हो जाती है। तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है ग्रेडेशन का, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह एक्सटर्नल प्रोसेसेस में आते हैं, और इसके थ्रू आपकी ज़मीन जो है वो अर्थ क्रस्ट जो है वो डिफॉर्म भी हो जाती है और कंस्ट्रक्ट भी कर जाती है। तो ये ज़्यादातर हमारे जो है ये कटाव का अमल करते हैं, तोड़ फोड़ कर उसको मुख्तलिफ शेप और सरफेस की टोपोग्राफी होती है उसे चेंज करते हैं, यानी कि यही हमारे मैदान बनाते हैं, यही हमारे जो प्लेटूस बनाते हैं या डिफरेंट पहाड़ियाँ वगैरह वादियाँ वगैरह जो है वो यही एजेंट्स बनाते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोर ओवर देयर बिहेवियर में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टोपोग्राफी। पहले से मुझे टोपोग्राफी को ये चेंज कर देते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी शेप, उनकी नेचर, ठीक है। द एक्सटर्नल प्रोसेसेस में भी थॉट ऑफ जनरली एज वेयरिंग डाउन और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज दैट इवेंचुअली टेंड टू डिमिनिश टोपोग्राफी इररेगुलरिटीज एंड डिक्रीज द रिलीफ ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि उसको
छोटा करते हैं, रिलीज करते हैं। अगर बड़ा पहाड़ होगा तो ये एजेंट्स मिलकर उसको तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के पहाड़ी में भी सतह मरदमा फिर मैदान में चेंज कर देंगे, और टूटा फूटा वो बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। दीज टू ग्रुप्स ऑफ प्रोसेसेस इंटरनल और एक्सटर्नल दस वर्क इन मोर और लेस डायरेक्ट अपोजिट टू वन अनदर, यानी दोनों अपोजिट फॉर्म में चेंज होते हैं, काम करते हैं, और इनकी जो बैटल होती है वो उस वक्त देखने में आती है जब लिथोस्फेयर और एटमोसफेयर दोनों मिलकर काम कर रहे हों। ठीक है, तो ये आपके जनरली ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं जिनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे।